वेलकम टू दिस चैनल। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं, आपके जो पार्टनर हैं उनको अक्सर आपकी कौन सी बातें याद आती हैं, आपकी ऐसी क्या बातें इनको बहुत ज़्यादा याद आती है जिनको ये चाहकर भी भूल नहीं पाते। गाइस, टाइमलेस रीडिंग है, जब आप इसे देख रहे होंगे तभी सबसे रेजोनेट होगी। आप किसी भी राशि के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, आपके लिए है अगर आपसे एनर्जी मैच होती है तो। और गाइस, जनरल रीडिंग है, आपसे जितने मैसेजेस रेजोनेट हो आप उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा अपने माइंड से, वीडियो से नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पार्टनर को आपकी क्या बातें अक्सर बहुत याद आती है जिसको ये भूल नहीं पाते, वो होता है टॉप मोमेंट। ये क्या आ गया? अच्छा, इसका मतलब ये है कि इनको अक्सर आपकी वो बातें याद आती हैं जब हर मुसीबत में लोगों ने इनका साथ छोड़ दिया बट आपने इनका साथ दिया। आप हमेशा ऐसे मोमेंट में, टावर मोमेंट में भी आप इनके साथ खड़े रहे। अक्सर ये बातें इनको बहुत ज़्यादा याद आती हैं, ये चाहकर भी नहीं भूल पाते। वो कहते हैं ना, कुछ लोग भले ही एक्सप्रेसिव ना हो, वो बोल के ना कहें कि हाँ तुमने मेरे लिए ये किया था, बट उनको अंदर से एहसास रहता है कि सामने वाले ने इनके लिए क्या कुछ किया है। सो हो सकता है आपके पार्टनर उन लोगों में से है, भले ही आपको बोलते ना हो बट इनको अंदर से फीलिंग है, इनको एहसास है कि आपने उस वक्त इनका साथ दिया जब जब लोगों ने इनका साथ छोड़ा और ये अकेले पड़े। नेक्स्ट है सेवन ऑफ फायर इन रिवर्स। सो इनको आपकी एक बात बहुत ज़्यादा पसंद है, वो है आपका डिफेंसिव ना होना। अगर आपने गलती की है आप एक्सेप्ट करेंगे, हाँ मैंने गलती की है, मैं मानती हूँ। आप डिफेंसिव नहीं हैं ज़्यादा अपने पार्टनर की तरह, ओके? हो सकता है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हैं और अपनी ही बात मनवाना चाहते हैं, अपनी ही बात रखना चाहते हैं ऊपर, बट आप एक ऐसे इंसान हैं जहाँ पे अगर गलती आपसे हुई है तो आप एक्सेप्ट भी करते हैं, हाँ मुझसे गलती हो गई। और ये बात इनको बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है आप में, और अक्सर याद आती है इन बातों को, बहुत ज़्यादा याद करते हैं कि एक आप थे जो अपनी गलती को ईजिली एक्सेप्ट कर लेते थे और एक ये हैं ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते। आप जितने आप में जितना एक्सेप्टेंस है उतना इनके आपके पार्टनर में बिल्कुल नहीं है। सो ये बात भी इनको कहीं ना कहीं बहुत याद आती है आपकी। हर्मिट, आपके पार्टनर को एक बात तो जैसे इस बात को तो वो कभी भूल ही नहीं सकते, पता नहीं मैंने ये वर्ड क्यों यूज़ किया, कभी नहीं भूल सकते। हो सकता है यूनिवर्स चाहते हैं कि वो आप तक ये बात पहुँचाएँ इस रीडिंग के थ्रू। आपके पार्टनर इस बात को कभी नहीं भूल सकते कि आप इनकी लाइफ में एक ऐसे पर्सन आए हैं जिन्होंने इनको स्पिरिचुअल किया है। नो मैटर आपके पार्टनर भगवान को मानते हैं, मंदिर जाते हैं या नहीं, भले ही वो बोलते होंगे, लेकिन सीरियसली आपने इनको स्पिरिचुअल किया है। ये इनसाइड फील कर पाते हैं भगवान को, इन इस कनेक्शन को। धीरे धीरे इनका बिलीव बढ़ा है कि हाँ एंजल्स भी होते हैं, हाँ ऐसे कनेक्शन भी होते हैं। सब कनेक्शन टाइम पास नहीं होते, कुछ कनेक्शन कहीं ना कहीं आपने इनको सीरियस होना सिखाया है, कहीं ना कहीं आपने इनको स्पिरिचुअल होना सिखाया है, कहीं ना कहीं आपने इनको अपनी सोल से कनेक्ट किया है। सो ये बात वो कभी नहीं भूल पाएंगे, वो हमेशा इनको याद रहेगी ये बात कि हाँ भले ही आप आगे तक फ्यूचर में साथ रहें या ना रहें, नो मैटर, मैटर नहीं करता, बट आपके पार्टनर ज़िंदगी भर ये बात याद रखेंगे कि एक इंसान इनकी लाइफ में ऐसा आया था जिन्होंने इनको चेंज होने पर मजबूर किया, जिन्होंने इनको रिश्तों की वैल्यू सिखाई, जिन्होंने इनको सच्चा प्यार करना सिखाया, जिन्होंने इनको सीरियस होना सिखाया कि सीरियसनेस क्या होती है, एक्चुअल में किसी को इम्पोर्टेंस देना क्या होता है, सोल से कनेक्ट होना क्या होता है, अपनी अंतरात्मा की सुनना क्या होता है। सो ये बातें वो कभी नहीं भूल पाएंगे आपकी। चलिए बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी भी देख लें, टू ऑफ फायर। सो आप एक बहुत अच्छे डिसीजन मेकर हैं। सो भले ही आपके पार्टनर समटाइम्स कन्फ्यूज ही रहते हैं, आपके पार्टनर को जैसे ऐसे नहीं बोल सकते कि बहुत अच्छे डिसीजन लेते हैं, ऑन टाइम लेते हैं, बट आप में वो क्वालिटी है कि इनको, मतलब देखो एक इंसान किसी की चीज़ें तभी याद रखता है, किसी की बात तभी याद रख पाता है जब वो चीज़ उसमें ना हो, ओके? तो आपके पार्टनर में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, वो डिसीज़न लेते हैं ना तो ऐसे जैसे हिचकिचाते हुए कि पता नहीं सही है या नहीं है, लेकिन आप एक ऐसा इंसान है, एक बार आपने डिसाइड कर लिया तो कर लिया, फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देखते, चाहे वो मूव ऑन करने की बात हो, चाहे वो किसी को कमिटमेंट देने की बात हो, आप अपने डिसीजन पर स्टे करते हैं। आप अपने डिसीजन जो आपने ले लिया
उस पर खड़े उतरते हैं, और ये बात इनको आप में बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये बहुत ज़्यादा उनको याद भी आती है कि जब आप कुछ, चाहे भले ही आपको ये मजाक में ज़िद्दी बोलते हों, बट आपने एक बार जो डिसाइड कर लिया आप वही करते हैं, और आपके अक्सर डिसीजन राइट ही होते हैं। सो गाइज, ये थी छोटी सी रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट की है। रेजोनेट की है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चेक करना, ख्याल रखिए। जय सियाराम।